बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एन कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र। एन कणों का कोई निकाय है, इसके लिए हमें द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। हम एक एन कणों का निकाय इस तरह से लेते हैं कि ये इस प्रकार से हमारे पास एन कणों का निकाय है। ये एम वन पार्टिकल, ये एम टू पार्टिकल, ये एम थ्री पार्टिकल, डैश 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 एम एन वन पार्टिकल, जीरो, ये इनके स्थिति सदिश है। ये आर वन वेक्टर, ये आर टू वेक्टर, ये आर थ्री वेक्टर, ये आर एन वेक्टर के रूप में हमारे पास ये विभिन्न पार्टिकल्स एम वन एम टू एम थ्री एम एन पार्टिकल्स के लिए जो है हमारे पास एक एन पार्टिकल का एक निकाय है जिसमें एम वन एम टू एम थ्री एम एन छोटे छोटे पार्टिकल्स उपस्थित हैं और इनके स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष आर वन आर टू आर थ्री आर एन है। अब इन पर जो लगने वाले जो बल हैं वो क्रमशः एफ वन वेक्टर, एफ टू वेक्टर, एफ थ्री वेक्टर हों तो सभी जो लगने वाले बल हैं तो लगने वाले बलों का जो कुल मान होगा वो होगा कुल बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर प्लस एच डेज डेज प्लस एफ एन वेक्टर के रूप में ये हमारे पास निकल करके आता है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I बराबर वन टू एन एफ आई वेक्टर, एफ आई वेक्टर के रूप में हम इसे रखते हैं। और चूंकि एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I बराबर वन टू एन डी पी अपॉन डी टी आई वेक्टर के लिए। और संवेग में परिवर्तन की दर बल के समान बातें होती है, इस रूप में हमने इसे लिखा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I बराबर वन टू एन डी बाई डी टी, P बराबर एम आई वी आई वेक्टर, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो D बाई डी टी को मैं बाहर ले रहा हूँ इज इक्वल टू डी बाई डी टी समेशन आई बराबर वन टू एम और एम आई वी आई को मैं डी आर बाई डी टी के रूप में लिख सकता हूँ। तो एम आई डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी, तो डी बाई डी टी को मैं बाहर ले, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर समेशन आई बराबर वन टू एम एम आई आर आई वेक्टर, इस तरह से एम आई आर आई वेक्टर। यदि पिंडों का द्रव्यमान एम है, एम क्या है पिंड का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है एम, तो इस कैपिटल एम से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम डिवाइड बाय एम डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई वेक्टर। तो एक एम को हम अंदर की तरफ ले जाए तो एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई
आर आई वेक्टर डिवाइड बाई कैपिटल एम के रूप में यहाँ हमारे को ये पद फाइंड आउट होता है। तो ये जो पद हमें मिला इसे हमें एफ वेक्टर इज इक्वल एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई वेक्टर डिवाइड बाई कैपिटल एम के रूप में, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर सी एम वेक्टर। सो आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल एम के रूप में ये पद हमने यहाँ फाइंड आउट होता है। तो ये हमारे पास मिलता है, यानी कि जो एन कणों का निकाय है, एन कण निकाय के लिए जो सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश होगा वो होगा आर सी एम इज इक्वल टू एम आई आर आई वेक्टर अपॉन एम के रूप में। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो है एन कण तंत्रिका जो द्रव्यमान केंद्र है उसके लिए स्थिति सदिश इस तरह से हमें फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। अब ये तो हमें फाइंड आउट हो गया कि जो द्रव्यमान केंद्र है एन कणों के निकाय के लिए उसका सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो ये होगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो द्रव्यमान केंद्र है एन कणों का उसका वेग, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग, यानी कि वी सेंटर ऑफ मास, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास आर सी एम ये है, तो आर चूंकि आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई वेक्टर डिवाइड बाई एम, तो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी टी आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई वेक्टर डिवाइड बाई एम। तो ये हो गया आपके पास डी सी एम वेक्टर, डी बाई डी टी को अंदर ले जाए अप्लाई करेंगे तो समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई अपॉन कैपिटल एम डी बाई डी टी आर आई वेक्टर इस तरह से डी बाई डी टी आर आई वेक्टर। तो यहाँ वन बाई एम को तो हम बाहर रख ही सकते हैं, वन बाई एम ये तो बड़े में है, तो वन बाई एम समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई डी आर बाई डी टी को मैं वी वेक्टर वी आई वेक्टर से रिप्लेस करता हूँ, वी आई वेक्टर जो आयवा कण है उसका वेग कितना हो जाएगा वी आई वेक्टर, और एम वी बराबर क्या होता है पी वेक्टर, चूंकि पी बराबर क्या होता है एम वी, तो वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू वन बाई एम, ये हो जाएगा आपके समेशन आई बराबर वन टू एन पी आई वेक्टर, और समेशन पी आई को मैं कैपिटल पी से रिप्लेस करूं क्योंकि समेशन आई बराबर वन टू एन पी आई इज इक्वल टू पी वेक्टर, तो इसलिए वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पी वेक्टर अपॉन एम। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी
पी वेक्टर अपॉन एम के रूप में फाइंड आउट होती है। तो यानी कि अतः जो निकाय है, निकाय पर बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में VCM क्या रहेगा, नियत रहता है। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तो VCM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो VCM क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, बाह्य बल होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी, रेखीय संवेग क्या होगा, परिवर्तित होगा, तो उस कंडीशन में फिर VCM क्या होगा, नियत नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में VCM क्या होगा, नियत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक त्वरण की, कि त्वरण कितना होगा। तो त्वरण को फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास VCM हो गया, तो बात करते हैं त्वरण ACM वेक्टर कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास VCM है, चूंकि VCM वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपके पास है 1/m समेशन i बराबर 1 टू n pi वेक्टर, ये है। तो इसका विद रेस्पेक्ट टू t हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू टी टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m और विद रेस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे i बराबर 1 टू n d/dt pi वेक्टर। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी टी जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो मैं इसे बल के एफ के बराबर लिख सकता हूँ, वी सी एम वेक्टर इज इक्वल टू 1/m, ये हो जाएगा आपके समेशन आई बराबर 1 टू n एफ आई वेक्टर के बराबर। तो एफ आई वेक्टर को मैं जो है 1 टू n समेशन में f के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, तो VCM वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर अपॉन m के रूप में ये पर हमारे पास मिलता है, सॉरी ACM। यहां इसका तो हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा, ये ACM, ये बनेगा आपके ACM, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के रूप में ये पद आता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ अपॉन एम के रूप में ये बनता है। ठीक है, तो ये बात हुई त्वरण की। यदि हम कण की गतिज ऊर्जा की बात करें, तो गतिज ऊर्जा को फाइंड आउट करते हैं, तो कण तंत्र की गतिज ऊर्जा अगला टॉपिक लेते हैं, कण तंत्र की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल्स सिस्टम। तो कण तंत्र की गतिज ऊर्जा को हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास एक n कणों का निकाय है, हमारे पास क्या है, एक n कणों का निकाय है और उसका इस तरह से यहाँ एक इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ हाइवा कण उपस्थित है, ये मूल बिंदु और ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास
कि मूल बिंदु से दूरी r cm वेक्टर के रूप में और i वेक्टर की ri वेक्टर के रूप में और सेंटर ऑफ मास से i वे पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो ri डैश वेक्टर के रूप में ले रहे हैं। तो ये इस तरह से एक n कणों का निकाय है हमारे पास। तो माना कि एक कण तंत्र में n कण विद्यमान है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 mn हैं और उनके स्थिति सदिश r1 r2 r3 rn वेक्टर हैं के रूप में हैं। तब हम देखते हैं कि आयवा जो कण है वो उसका वेग vi हो तो कण तंत्र की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो आयवी कण का वेग कितना है vi वेक्टर के रूप में। तो आयवी कण की गतिज ऊर्जा E = 1 to n ½ mi vi² के रूप में होगी। तो E = (1 to n) ½ mi vi² के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो सदिश संयोजन से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि और आर फाइंड आउट करके फिर वी आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सदिश संयोजन नियम से तो जो सदिश संयोजन नियम है उसके अनुसार जो आर आई वेक्टर है वो आर सी एम और आर आई डैश वेक्टर के योग के बराबर होगा। आर आई वेक्टर = आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ ये जो हमें पद फाइंड आउट हुआ है आर आई वेक्टर के रूप में, इसका हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू टी टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी आर आई वेक्टर अपॉन डी टी = d/dt आर सी एम वेक्टर प्लस d/dt आर आई डैश वेक्टर। तो ये हो गया आपने वी आई वेक्टर = वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई डैश वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये वी आई वेक्टर की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के रूप में आ गई। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो E = समेशन i = 1/(1/2) mi vi cm वेक्टर प्लस vi वेक्टर के रूप में ये पद हमें यहाँ मिलता है। तो यहाँ देखिए, अब इसको ओपन करते हैं हम। E = (1 to n)(1/2) mi vcm को vcm से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो vcm² +
वी आई स्क्वायर प्लस टू वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर के रूप में ये पद हमें मिलता है। तो ई इज इक्वल टू वन बाई टू समेशन आई बराबर वन टू एम एम आई वी सी एम स्क्वायर प्लस वन बाई टू समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई वी आई स्क्वायर प्लस वन बाई टू समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई। ये देखिए यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एम आई वी सी एम वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर ये पद बनता है। तो यहाँ अब हम देखते हैं वी सी एम वेक्टर आगे देखिए यहां से हम जो है वी सी एम को कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर ले सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू वी सी एम स्क्वायर बाई टू समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई ठीक है इस तरह से एम आई प्लस यहां देखिए वी आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर हाफ एम वी आई स्क्वायर के रूप में ये पद बनता है। तो ये जो पद है ये ऊर्जा हो जाएगी ई डैश के रूप में प्लस यहां देखिए समेशन यहां से मैं वी सी एम वेक्टर को बाहर लूं तो चूंकि वी सी एम वेक्टर कॉन्स्टेंट है के रूप में तो वी सी एम वेक्टर समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई डी बाई डी टी आर आई वेक्टर के रूप में इसे लिख सकता हूँ। तो ई इज इक्वल टू वी सी एम स्क्वायर बाई टू एम आई को मैं कैपिटल एम लिख सकता हूँ टोटल मास प्लस ई डी प्लस बी सी एम वेक्टर डी बाई डी टी को मैंने बाहर ले लिया समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई डॉट आर आई वेक्टर। तो यहाँ देखिए एम आई डॉट आर आई वेक्टर ये हो जाएगा आपके जीरो क्यों क्योंकि ये बता रहा है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी अन्य कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो होता है और बीजगणितीय योग का मान कितना होता है जीरो के बराबर होता है। तो ये पद जीरो यानी कि कुल ऊर्जा ई बराबर ई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ई डैश के बराबर होती है ये हो गए आपके ई सी एम। तो जो एन कणों का तंत्र है एन कणों के तंत्र के लिए यदि हम ऊर्जा की बात करें तो सेंटर ऑफ मास के कारण जो ऊर्जा है तथा उस पिंड में उपस्थित सभी अन्य कणों के कारण उनकी जो ऊर्जाएं हैं उनके योग के बराबर होती है क्या उस कण तंत्र की कुल ऊर्जा यानी कि किसी एक कण तंत्र की कुल ऊर्जा उसके के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा और उस कण में उपस्थित अन्य कणों के कारण ऊर्जा के योग के बराबर ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तब के लिए थैंक यू।